हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे गाइस आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो गाइस अभी कुछ सीन ऐसा ना गाइस कि मेरे एक उदय भैया को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जिनके साथ मैंने क्रिसमस वाला वीडियो बनाया था। तो उनका आज बर्थडे है, तो उनको बर्थडे विश भी करना है गाइस। और थोड़ा मतलब सब होता है कि बर्थडे के दिन थोड़ा पूजा करने जाते हैं ना लोग मंदिर, तो हम लोग भी सोचे हैं कि या तो राम मंदिर जाएंगे गाइस, या तो एक साई मंदिर है इधर, बहुत ही फेमस है गाइस दोनों, तो उधर चलेंगे। तो चलिए अभी उन्हीं का घर में जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए थे, अब भाई बाइक निकाल। चलिए गाइस चलते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं राम मंदिर के लिए। मैंने राम मंदिर पहुँच चुके हैं और अभी प्रसाद लेने वाले हैं। भैया को आने हुए प्रसाद लेंगे, ले ले लिए हैं। फाइनली पूजा करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। इस गुस्से के साथ आप लोगों को यहाँ सबसे पहले पैर धोने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और देख सकते ठंडा भी लग रहा था, और देख सकते वैसे किस तरह अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा बहुत ही गाइस। तो वैशाली मंदिर में आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं थोड़ा मतलब उधर पानी भी टाइप है तो उसे वही साइड में चलिए चलते हैं गाइस। देख सकते हैं गाइस किस तरह का है इधर, पानी में बहुत मज़ा आने वाला है, मजा आ रहा है। तो गाइस आप लोगों को बोट भी मिल जाता है यहाँ पे चलाने के लिए, और इसका कितना प्राइस है मैं आप लोगों को बता दूंगा। 200 रुपये, 200 रुपये एक बोट का। कितने आदमी आते हैं बोट में? 4 से 5। प्राइस इधर से 1 किलोमीटर तक है और एक बोट का चार्ज 200 रुपये है। तो गाइस ये मेन मंदिर है जो आप लोग सामने देख रहे हो, ये है राम जी और सीता जी का मंदिर ये। और इसका जस्ट अपोजिट साइड में गाइस यहाँ पे सामने हनुमान जी का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही बढ़िया सजाया गया है गाइस मंदिर, हमें तो एक नंबर लगा।
कि आप लोगों को मैं अब श्री रामराज मंदिर का टूर कराता हूँ। तो गाइस देख सकते हो जिस, तो गाइस आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही थोड़ा अंदर घुसोगे तो गाइस ये पानी वाला मिलेगा आप लोगों को, और पानी वाला पार करते ही आपको सबसे पहला मंदिर इधर मिलेगा गाइस। इधर मिलेगा वो है श्री कृष्णा जी का और इनका राधा जी का, तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। तो और जस्ट जस्ट इसके बगल से आप जाइएगा तो यहाँ पे राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी का आप लोगों को दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर बनाया गया। और फिर इसका लोगों को नंदी महाराज मिलेंगे, उसके बाद शिव जी मिलेंगे आप लोगों को, फिर इनके जस्ट अपोजिट में शिव जी और पार्वती जी का है, और फिर अगर आप थोड़ा सा और सीधा चलेंगे हनुमान जी हैं। तो फिर इस बगल में आप अगर जाओगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, मतलब कि आप लोगों को फिर गणेश जी का दर्शन होगा, देख सकते हो। और इस तरह करके चारों तरफ आप लोगों को कोई ना कोई भगवान देखने को मिलेंगे। गणेश जी के सामने से जस्ट अगर आप लोग जाइएगा तो एक सीढ़ी टाइप में मिलता है जहाँ पे आप लोग अपने मनपसंद का रील या फिर वीडियो बना सकते हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है इस मंदिर को। और इधर बोटिंग भी होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि बोटिंग चार्ज यहाँ पे 200 रुपीज़ हैं। तो देख सकते हो इधर ही बोटिंग होता है, उधर आगे तरफ बोट लगा हुआ है, वहाँ से 1 किलोमीटर तक आप लोग को बोटिंग करवाया जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं।
तो आप लोगों को आई होप कि ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस इस ब्लॉग को बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगा गाइस, और ये जो सिनेमैटिक शॉर्ट्स था वो देव के 88 करके एक यूट्यूबर वो मुझे बना के दिए हैं, तो उनको भी जाके फॉलो कर लेना। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।